अपनी सेहत से मुतालिक मुस्तनद डॉक्टर्स की राय जानिए। कोला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रजिस्टर्ड डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो एंड रेनबो बेसिटी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक होगा इंजीर की अफादियत के हवाले से, इंजीर के क्या क्या फ़वाद हैं और इंजीर को कैसे और किस मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली इंजीर का जब नाम जहन में आता है तो हमारे जहन में यही चीज़ पहली आती है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। रात को दो इंजीरें भिगो के रखते हैं, सुबह उठ के वो इंजीर खा लें, पानी फेंकते हैं, तो वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करता है, ऐसा है। लेकिन इसके अलावा भी इंजीर के बहुत सारे फ़वाद हैं। इंजीर के अंदर फाइबर है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है एंड ब्लड प्रेशर को भी लोअर डाउन करने में, ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। इसके अलावा इंजीर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती है, यानी कि अगर किसी का डायबिटीज़ का मसला है या PCOS की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आई हुई है या कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आई है, तो इंजीर के मुसलसल इस्तेमाल से इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर हो जाती है, ये रिसर्चर्स ने साबित की है। इसके अलावा अगर आप इंजीर में देखें तो सिलेनियम की अच्छी खासी मकदार है। अगर किसी को मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो तो यूजली हम यही कहते हैं कि क्रोमियम या सिलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से मीठे की क्रेविंग ज़्यादा होती है, तो जो लोग इंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनमें सिलेनियम की डेफिशिएंसी के चांसेस कम होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें मीठे की क्रेविंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आम रूटीन में दूसरे लोगों को हो रही होती है। इसके अलावा ये बालों के लिए बहुत अच्छी है, इसके अंदर जिंक की अच्छी खासी मकदार है। अच्छा, जो जिंक है वो हेयर, नेल, स्किन तीनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। आपने जिंक के बहुत सारे सप्लीमेंट्स का सुना होगा, किसी को हेयर नेल स्किन का कोई मसला हो, बाल गिर रहे हों या स्किन इतनी अच्छी ना हो, तो यूजली डर्मेटोलॉजिस्ट उन्हें जिंक के ही सप्लीमेंट्स देते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स में ये सप्लीमेंट्स आते होते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्सेज देखें जिंक के, तो फ़िश वगैरह आ जाती है, फिग्स आ जाते हैं या अनाज हमारे नेचुरल सोर्सेज में आ जाता है। फिग बहुत अच्छा जिंक का सोर्स है, तो जो लोग फिग यानी इंजीर का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं उनके नाखून, बाल और स्किन जो है वो अच्छी रहती है, यानी कि उनकी जो ब्यूटी है वो लाइफ टाइम रहती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकालने में मददगार साबित होते हैं एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि इसके इस्तेमाल से कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो निस्बतन कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन बी, मैग्नीशियम, कॉपर, इसकी भी अच्छी खासी मकदार होती है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी इसके अंदर होता है। विटामिन ए जो है बेसिकली आप सब जानते हैं कि वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए गाजरों के अंदर भी होता है, लेकिन जिन देखें अगर हमारी आंखों की बात की जाती है तो जहन में पहली चीज़ गाजर आती है, मगर इंजीर का भी इस्तेमाल किया जाए तो आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी तरह विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन सी बेसिकली खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि जैसे मैंने पहले बताया एंटी कैंसर भी है और स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। जो इंजीर है इसके बारे में एक मिथ ये है कि ये बहुत गर्म है तो इसका गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको खाने से नाक से खून निकलने लग जाता है, इस किस्म की काफ़ी बातें इंजीर के बारे में की जाती हैं। देखिए, जब आप किसी चीज़ को एक्सेस में इस्तेमाल करेंगे, आप मतवाजन मकदार से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर है वो साइड इफ़ेक्ट्स अपने देगी, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मतवाजन मकदार में इसका इस्तेमाल किया जाए। दिन में दो से ज़्यादा इंजीरें इस्तेमाल ना की जाएं और रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो थोड़ा सा ब्लड थिकनिंग एजेंट हम उसको कह सकते हैं। ब्लड थिकनिंग से मुराद ये है कि जो लोग पहले से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं वो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। जिन लोगों का हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन का मसला है, क्योंकि डिफरेंट किस्म की मेडिकेशन दोनों केसेस में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन का मसला है या जिनका ब्लड प्रेशर का हम कह सकते हैं मसला, उन्हें चाहिए कि वो एक दफ़ा अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इंजीर इस्तेमाल करने से पहले। थैंक यू। सर्दियों में वैसे भी ड्राई फ्रूट का और इवन जो खजूरें हो गई, इंजीर हो गई, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ जाता होता है। खजूरों के फ़वाद क्या हैं, अगर एक्सेस में इस्तेमाल किया जाए तो इसके कुछ नुकसान तो नहीं होंगे, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। खजूरों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गज़ाइत है। जैसे आप देखें कि रोज़े के बाद रोज़ा खजूर से क्यों खोला जाता है, उसकी वजह ये होती है कि खजूरों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी होती हैं और एकदम वो आपका एनर्जी लेवल बूस्ट कर देते हैं।
पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता है, एकदम जब आप खजूर खाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। खजूरें एक तो एनर्जी लेवल मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होती हैं, फिर इसके अंदर पोटेशियम की अच्छी खासी मिकदार होती है। पोटेशियम जो है वो बॉडी के क्रैम्प्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिन लोगों को बॉडी क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं या जिन लोगों को पोटेशियम का कोई मसला, पोटेशियम की डेफिशिएंसी रहती है जिसकी वजह से एकदम टांग में खिंचाव या कोई इस किस्म का मसला होता है, उनके लिए खजूरें जो हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। फिर खजूरों के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है, खजूरें उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब फाइबर का सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से ताल्लुक नहीं होता, हार्ट हेल्थ भी फाइबर मेंटेन रखता है। यानी कि जिन लोगों का दिल का मसला है, आपने सुना भी होगा कि अजवा खजूर, सिर्फ अजवा ही नहीं बाकी भी खजूरें जो हैं वो दिल के लिए, दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर का मसला है, खजूरें ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में मददगार साबित होती हैं। फिर जिन लोगों को शुगर का मसला है, अब शुगर का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, क्योंकि जो खजूरें हैं इनके अंदर हाई शुगर लेवल्स होते हैं, हाई शुगर होती है, ये एकदम शुगर को एलिवेट कर सकती हैं। तो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए खजूरें जो हैं वो मॉडरेशन में उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। आधी खजूर वो खा के देखें, अगर उन्हें सूट करती है तो वो आधी से एक खजूर के दरमियान राउंड द डे इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी। फिर खजूरें नेचुरल स्वीटनर हैं, जैसे अगर आप सुबह नाश्ते में सीरियल ले रहे हैं, आप उसमें चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप उसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो आप एक या दो खजूरें उसमें काट के डाल लें, वो उसको मीठा भी कर देंगी और बहुत ज़्यादा उसको बैलेंस भी कर देंगी, एंड सेहत के लिए तो वो अच्छी हैं ही हैं। इसके अलावा खजूरों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर जहरीले मादे जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनको बॉडी से निकालने में मददगार साबित होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि खजूरें कैंसर से बचाने के लिए कुछ हद तक मददगार भी साबित होती हैं। इसके अलावा खजूरें जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो खजूरें कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। प्रेगनेंसी में देखा गया है कि फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब एकदम मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, तो उसके लिए खजूरें बहुत अच्छी हैं। हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक से दो खजूरें अपनी मीठे की क्रेविंग को एड्रेस करने के लिए उस टाइम पे खा लें, क्योंकि अगेन नेचुरल है, इसमें कैलोरीज तो हैं मगर वो हेल्दी कैलोरीज हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप वो कैलोरीज ले भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं होगा। तो मीठे की क्रेविंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है खजूर का इस्तेमाल करना। खाने के बाद जिन लोगों का दिल करता है कि वो कुछ मीठा खाएं और डिज़र्ट्स वगैरह से उनका वज़न बढ़ जाता है, तो उन्हें भी चाहिए कि वो खाने के बाद एक आधी खजूर खा लिया करें, उससे उनकी मीठे की क्रेविंग भी एड्रेस हो जाएगी। जो लोग वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं वो भी खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मतवाजन मिकदार में, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। वैसे भी अगर आप खजूरें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो वेट गेन कराएंगी। वेट लॉस के लिए ये इस तरह से इफेक्टिव हैं कि यूजली जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं, हम मीठा क्विट कर देते हैं, आप हर तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर क्विट कर चुके होते हैं, उस टाइम पे अगर आपका मीठे का दिल करता है तो आप खजूरों के बॉल्स बना के, खजूरों के अंदर से गुठलियाँ निकालें, उनके बॉल्स बनाएं, उसके अंदर नट्स ऐड करके ऊपर कोकोनट की टॉपिंग करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक भी हो जाएगा, हेल्दी डिज़र्ट भी आपका हो सकता है वो, और वो वज़न भी नहीं बढ़ने देगा। थैंक यू।